स्वतंत्रता दिवस पर आपको राजधानी दिल्ली के एक ऐसे स्थान पर लेकर चलते हैं, एक ऐसी जगह पर लेकर चलते हैं जहां कभी आजादी के नायक सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से एक गठबंधन का गठन किया था। दिल्ली एमसीडी ने उस जगह पर आज 250 टन लोहे के कबाड़ को रिसाइकल करके भारत की हजारों साल की अमृत गाथा को चित्रित किया है। वेस्ट टू आम थीम के तहत 4.5 एकड़ में बने ऐतिहासिक शहीदी पार्क में हजारों सालों की स्मृतियों को दर्शाने के लिए लोहे के कबाड़ का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें ऑटोमोबाइल वेस्ट हो या फिर खराब पड़े लोहे के खंभे, पुरानी कारें हो या फिर ट्रक के ग्रिल, लोहे के पुराने पाइप जैसे कबाड़ भी इसमें शामिल हैं। और पार्क में भारत में वैदिक वैज्ञानिकों से लेकर भारत के चक्रवर्ती राजाओं तक, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों से लेकर उस घटना और आजादी के बाद के नायकों तक हर किसी को कलाकृति के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप में यहां पर प्रदर्शित किया गया है। पार्क में मौजूद कलाकृतियों में 22 3D और 144 कलाकृतियां 2D हैं। और इसके अलावा पार्क में करीब 56,000 पेड़ पौधे हैं जो इतिहास के साथ साथ लोगों को नेचर का लुत्फ उठाने का भी अवसर देते हैं। और इस पूरे पार्क की कुल लागत एमसीडी को 15 करोड़ रुपए के आसपास आई है। यह पार्क भारत का सबसे बड़ा रिसाइकल पार्क है और साथ ही ये दिल्ली का तीसरा ऐसा पार्क है जिसमें वेस्ट टू आर्म थीम के तहत इसे बनाया गया है। इससे पहले भी आपने दो ऐसे पार्क दिल्ली में देखे होंगे। एमसीडी के अधिकारी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में तो टूटे हुए कांच के टुकड़ों को भी रिसाइकल करके इस तरह के थीम पार्क बनाए जाएंगे। देखिए, जैसा कि थीम पार्क के बारे में हम लोगों ने आपको बताया था कि इस थीम पार्क को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बांटा गया है, तो अब ये आता है यहाँ पर आखिरी आर्ट। अब यहाँ पर क्या है कि भारत के आज़ादी के बाद की जो उपलब्धियाँ हैं और भारत के उन शूरवीरों की विजय गाथा भी है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित करा गया था, उन सभी की तस्वीरें। जैसे अगर ये तस्वीर हम लोग आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो भारत का पोखरण वन की तस्वीर है, ये जब भारत ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया था, और पोखरण वन के ठीक बाद में पोखरण टू की तस्वीर है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जो समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, APJ अब्दुल कलाम जी हैं। शुरुआत होती है भारत के स्वतंत्रता के बाद की तस्वीरों की, तो जो पहली तस्वीर है उसमें देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का झंडा फहरा रहे हैं। ट्राइबल्स थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक पूरा रेवोल्यूशन कर दिया था, आर्म एक तरह से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए भारत से उनको चित्रित करा गया। और उसके अलावा तात्या तोपे जी को भी यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से 1857 की क्रांति में उन्होंने सहभागिता निभाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा सिंहासन है, शिवाजी महाराज उसके ऊपर बैठे हुए हैं और उनके अगल बगल में जो उनके सैनिक हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो भी बैठे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से इस पूरे थीम पार्क को चित्रित किया गया है जहाँ पर वेस्ट के सहारे ही आप देख सकते हैं कि पूरा सिंहासन बना दिया गया। ये स्वर्णिम युग शुरू होता है राजा पोरस की तस्वीरों से, और इस तस्वीर को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि किस तरह से जो ऑटोमोबाइल वेस्ट था उसका यहाँ पर प्रयोग करा गया, और उसके अलावा जो लोहे का वेस्ट था उसका प्रयोग करके राजा पोरस की यहाँ पर तस्वीर बनाई जाती है। सामने अगर आप देखेंगे तो फिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर है जो, और उनके बगल में चंद्रवरदाई खड़े हैं, और मोहम्मद गौरी को सम्राट के द्वारा जो तीर मारा गया था उस तीर को मारने के भी दृश्य हैं। तो ये पूरी तस्वीर है। अगर थोड़ा सा अगर आप आगे देखेंगे तो आपको महाराणा प्रताप की तस्वीर दिखाई देगी। 250 टन स्क्रैप से पूरे भारत की संस्कृति इस पूरे MCD के पार्क में दिखाई गई है। प्रवेश करते ही आपको प्रवेश द्वार से लेकर हर जगह आपको पता लग जाएगा कि MCD क्या वादा करना चाहती है और क्या एक मैसेज देना चाहती है। अब इस समय हम लोग मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे राजा भरत की तस्वीर है जिसमें राजा भरत एक शेर के जबड़े को खोल रहे हैं। अब
भारत का नाम राजा भरत के नाम पर ही पड़ा था। तो इस थीम पार्क की जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत ही राजा भरत से हुई है। तरह से क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में इस पूरे पार्क में भारत का जो वैश्विक इतिहास है, जो स्वर्णिम इतिहास है, उसे दर्शाया गया है। देखिए, रिसाइकलिंग की बात तो पूरी दुनिया में की जाती है, लेकिन आज हम लोग आपको रिसाइकलिंग का एक जो नायाब उदाहरण है वो दिखाते हैं, जिसे दिल्ली के एमसीडी ने पेश किया है। हम लोगों के साथ बात करने के लिए डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ में आपका। सर, ये जो पूरे भारत का जो गौरवमय इतिहास है उसको आप लोगों ने दिखाया है पूरा, और एक एक चीज़ को हम लोग जैसे देख रहे हैं रिसाइकिल करके सारी चीज़ें बनाई गई हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, जो उन्हें ऋषि मुनि हैं, जो भारत का पुराना वैदिक ज्ञान था, वैदिक साइंस थी, उसका भी पूरा दर्पण दिखाया गया, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, इस पार्क को बनाने के लिए हमारी पूरी सोच ये थी कि जो भारत की एक तरह से कहिए पुरोधा रहे हैं, जो भारत के शूरवीर रहे हैं, जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, और उनके बारे में अब लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, और ख़ासकर अभी के समय में जब बच्चे ज़्यादातर मोबाइल्स में, टीवी में बिज़ी हैं, तो बच्चे अपनी संस्कृति से, अपने शूरवीरों के बारे में कुछ न जानने की वजह से वो दूसरी संस्कृतियों की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे हैं। तो हमारा ये धर्म बनता था कि हम कुछ ऐसा करें कि लोग फिर से अपनी संस्कृति के बारे में जानें, अपने शूरवीरों के बारे में जानें कि किस तरह इतने सालों तक भी भले ही कितने विदेशी आक्रांता आए, लेकिन भारत अपनी संस्कृति पे अडिग रहा। और उसके लिए जो हमारे जो लोग जिम्मेवार थे, जो शूरवीर थे, जिन्होंने भारत का नाम आगे बढ़ाया, भारत को बचाए रखा, उनको हमने यहाँ शोकेस किया है। और इसके साथ कि प्रकृति में ये पहला ऐसा उद्यान है जिसमें हम जिसको हमने एक संग्रहालय के रूप में बनाया है, तो यह भारत का पहला बाह्य संग्रहालय है जिसमें लोग अपने देश के बारे में पूरी जानकारी पा पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जब हम लोग आए, हम लोगों ने देखा कि सारी चीज़ें बेसिकली रिसाइकिल करके बनाई गई हैं, और जब हम लोगों ने लोगों से भी बात करी तो मतलब सबका ये कहना था ये पार्क आपका छोटा बच्चा है, इसको आपने इस तरह से मतलब सजो के करा, तो इसका आइडिया कहाँ से आया कि मतलब रिसाइकिल करके ये सारी चीज़ें करेंगे उसके अलावा? देखिए, ये हमारा तीसरा ऐसा पार्क है जो हमने वेस्ट टू आर्ट के तहत बनाया है। तो वेस्ट टू आर्ट की थीम तो हमने 2018 में ही अपना ली थी। 2018 से हम लोग लगातार ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो लोगों को जागरूक करे कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, आप अगर उसको इस्तेमाल कर लें तो वो फिर से एक आपको कुछ नायाब चीज़ दे सकती है। और इस कुछ भी ये जो चीज़ें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं से प्राकृतिक रूप से ही आ रही हैं, तो प्रकृति का एक तरह से दोहन हो रहा है अगर हमेशा ही हम नई चीज़ें बना रहे हैं। तो अगर हम इसे रीयूज़ कर लेते हैं तो हम एक तरह से अपनी प्रकृति का दोहन होने से भी बचाते हैं, और लोग इन कूड़ों को, इनको, इन स्क्रैप्स को जो फेंक रहे हैं उनको फेंकने से बचाते हैं, हमारा देश भी सुंदर रहेगा, साफ रहेगा। अच्छा, किन किन चीज़ों का इसके अंदर प्रयोग हुआ है रिसाइकिल के दौरान? सबसे ज़्यादा इसमें ऑटोमोबाइल्स पार्ट का यूज़ हुआ है, जो पुरानी कार हो जाती हैं, जो पुरानी बाइक्स हैं, पुराने बिजली के खंभे हैं, इन सारी चीज़ों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जो अन्यथा हमारे यहाँ से स्क्रैप के रूप में निकाल दी जाती हैं और वो कहीं कोने में पड़ी हैं, स्टोर्स में पड़ी हैं, स्टोर्स खचाखच भरे हैं। आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्योंकि दिल्ली में तो लगातार आप भी लगातार देख रहे हैं कि ना कचरा लगातार हर साल रिकॉर्ड बनाता है, तो अब आगे के क्या प्लान्स? देखिए, आगे का प्लान हमारा ये है कि हम इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन करें। वेस्ट के कई प्रकार हैं, जैसे ये ज़्यादातर ये स्क्रैप वेस्ट से बना है, जो लोहे के वेस्ट हैं। आगे हम लोग का प्रयास है, टायर का बहुत बड़ा वेस्ट का प्रॉब्लम है, टायर के वेस्ट के बेस्ड हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट पे का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसे भी लेके हम लोग एक कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट से बेस करके एक थीम पार्क बनाने जा रहे हैं। शीशे के वेस्ट जो हैं, शीशों के वेस्ट को यूज़ करके भी एक हमारा पार्क प्रपोज्ड है, जो जल्दी ही तैयार हो जाएगा, ग्लास वेस्ट पे बेस्ड है।